नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। आज है 12 मार्च। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने मार्च अप्रैल के बीच रिजल्ट जारी करने का किया ऐलान। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने मैट्रिक और इंटर परीक्षार्थियों के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट इस साल समय अनुसार ही निकलेगा, जिसके तहत रिजल्ट मार्च के अंत तक या फिर अप्रैल महीने के शुरुआती सप्ताह में निकाल दिया जाएगा। हालांकि नियोजित शिक्षकों के सड़कों पर उतरने के बाद मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट के निकलने की तारीख में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, मगर बिहार बोर्ड ने एक बार फिर से ऑल इज वेल के संकेत देते हुए यह साफ कहा है कि रिजल्ट निर्धारित समय पर निकाला जाएगा। एम्स पटना ने निकाली रिक्तियां। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन पद के लिए 10 पदों पर आवेदनों की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 12वीं पास होना अनिवार्य होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार पटना एम्स की आधिकारिक वेबसाइट www.aimspatna.org पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आइए जानते हैं बिहार की इस जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे बिस्मिल अजीमाबादी की। बिस्मिल अजीमाबादी मूल रूप से एक कवि थे। उनका जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। 1921 में उन्होंने देशभक्ति कविता सरफरोशी की तमन्ना लिखी थी। रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखी गई कविता भारत में ब्रिटिश राज के दौरान काफी ज्यादा प्रचलित हुई थी। बिस्मिल की उपलब्धियों के लिए बिहार उर्दू अकेडमी उनके नाम पर पुरस्कार देती आई है, जिसे बिस्मिल अजीमाबादी पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। राज्यसभा की सीट के लिए स्टेट कोर कमेटी ने भेजे 6 नाम। इस साल विधानसभा चुनाव के साथ साथ इसी महीने बिहार राज्यसभा की 5 सीटों पर भी चुनाव होने हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन के पास 3 सीट, वहीं जदयू 2 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश करेगी, जिसके लिए भाजपा की कोर कमेटी ने 6 नाम भेज दिए हैं। जानकारों का कहना है कि बिहार कोर कमेटी में 6 नामों का जो प्रस्ताव भेजा है, उनमें दोनों वरिष्ठ नेता जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, यानी कि डॉक्टर सीपी ठाकुर और आरके सिन्हा समेत अन्य 4 नए चेहरों के प्रस्ताव भेजे गए हैं। नुपुर ने तय किया राष्ट्रीय कबड्डी टीम की कप्तान से लेकर पायलट बनने का अनोखा सफर। बिहार के छपरा जिले की रहने वाली नुपुर आज के समय में युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। नुपुर 3 बार राष्ट्रीय कबड्डी टीम की कप्तान भी रह चुकी है। इतना ही नहीं, बचपन से ही नुपुर पायलट बनना चाहती थी, मगर आर्थिक समस्याओं के कारण उन्हें हमेशा किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ा। नुपुर ने बताया कि उनके इस मुकाम पे उनके चाचा का विशेष सहयोग रहा है। बेहतर ट्रैफिक की व्यवस्था बनाए रखने के लिए 24 महिला सिपाहियों को किया गया पुरस्कृत। मौसम चाहे जैसा भी हो या त्यौहार कोई भी हो, ट्रैफिक की ड्यूटी संभालने से पीछे नहीं हटते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने दिन रात लगकर ट्रैफिक की व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए पटना लाइन में लगभग 24 महिला ट्रैफिक पुलिस अफसर को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया है। पुष्पम प्रिया चौधरी पर शिवानंद तिवारी ने दी अपनी प्रतिक्रिया। बिहार में मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार की दावेदारी कर रही पुष्पम प्रिया चौधरी को लेकर बिहार के सियासी गलियारे में हलचल पैदा हो गई है, जिसके तहत राजद नेता शिवानंद तिवारी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि हमने इसे तब से देखा है जब इसने चलना सीखा था और आज यह राजनीति में आने की बातें कर रही है। खैर, उसकी बातों को किसी को भी सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। मुजफ्फरपुर के राम मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। यह मंदिर जिले के साहू पोखर के छोटे से गांव में स्थित है। इस विशाल मंदिर में कई देवी देवताओं के मंदिर है और इन्हीं मंदिरों में से एक ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान शिव का बड़ा सा शिवलिंग है। कहा जाता है कि यह शिवलिंग भारत में 3रा सबसे बड़ा शिवलिंग है। अगर संख्या की दृष्टि से देखें तो मुजफ्फरपुर के सारे मंदिरों में सबसे ज्यादा श्रद्धालु यहीं पर आते हैं। अब एक ही समय में कई डिवाइस पर व्हाट्सएप कर सकेंगे। सभी व्हाट्सएप यूजर्स के लिए अहम सूचना। जल्द ही व्हाट्सएप अपने ऐप में एक नया फीचर्स एड ऑन करने जा रहा है, जिसके तहत जल्द ही कंपनी कुछ ऐसे फीचर्स को पेश कर रही है जो कि यूजर्स के चैटिंग का मजा दोगुना करने वाली है। इसमें मल्टीपल डिवाइस सपोर्ट, लास्ट सीन फॉर सिलेक्टेड फ्रेंड्स आदि जैसे फीचर्स शामिल होंगे। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप जल्द ही एक ऐसा फीचर भी लाने जा रही है जिससे कि आप बस कुछ चुनिंदा चैट से अपना लास्ट सीन छुपा सकते हैं। नियोजित शिक्षकों ने अब मंत्रियों के पास जाने का किया ऐलान। सभी नियोजित शिक्षकों ने अब सरकार के मंत्रियों के खिलाफ जाने का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत अब सभी नियोजित शिक्षक ने अपनी मांग को मनवाने के लिए बिहार सरकार के सभी मंत्रियों तक अपनी आवाज पहुंचाने का ऐलान किया है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ मूल्यांकन परिषद के प्रदेश अध्यक्ष शाहजफर इमाम ने बताया कि शिक्षकों के खिलाफ सरकार द्वारा उठाए गए सख्त कदम के बाद ही सभी नियोजित शिक्षक ने यह फैसला लिया है। होली के मौके पर अनोखे अंदाज में नजर आई मीरा राजपूत। होली के मौके पर सेलेब्स की तस्वीरों के बीच शाहिद कपूर की पत्नी मीरा की होली पार्टी की फोटो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से ट्रेंड हो रही है। मीरा ने इस मौके पर अपनी गर्दन पर लाल रंग से SK लिखवाया हुआ था। इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपनी एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो कलरफुल शर्ट में दिख रही थी। वहीं उनकी गर्दन पर SK लिखा हुआ था और उसके साथ ही एक छोटा सा दिल बना हुआ था, जिसके बाद लोगों ने मीरा की इस तस्वीर के खूब मजे लिए हैं। कुछ लोगों ने उनकी तारीफ की है, मगर वहीं कुछ लोगों ने SK को शाहरुख खान और सलमान खान के नाम से जोड़ना शुरू कर दिया।
29 मार्च से शुरू होने वाले आईपीएल पर लग सकती है रोक। 29 मार्च से शुरू होने वाले आईपीएल पर एक बार फिर रोक लगाई जा सकती है। खबरों की माने तो कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए काफी लंबे समय से आईपीएल पर रोक लगाने की मांग की जा रही थी। हालांकि बीसीसीआई ने आईपीएल को रोकने के फैसले से साफ इनकार कर दिया था, मगर अब इस पर रोक लगाने के लिए मद्रास हाईकोर्ट में एक अर्जी डाली गई है, जिसके बाद 12 मार्च को सुनवाई की उम्मीद की जा रही है। मगध में होली खेलने की परंपराएं आज भी है कायम। होली समूचे देश में मनाई जाती है, मगर जगह जगह पर होली खेलने की अलग अलग परंपराएं हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे मगध के बुढ़वा होली के बारे में। बुढ़वा होली की खासियत है कि नवादा, गया, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों में पूरे उत्साह के साथ होली के दूसरे दिन भी लोग होली मनाते हैं। इस दिन मगध क्षेत्र में झुमटा निकालते हैं और होली गाने वाले गाँव और शहर के मार्गों पर होली के गीत गाते हुए अपनी खुशी का इजहार करते हैं। आईपीएस अधिकारी विकास वैभव ने पुष्पम प्रिया को लेकर दिया बयान। राजनीतिक गलियों के नेताओं के बाद अब आईपीएस अधिकारी विकास वैभव ने भी पुष्पम प्रिया को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ लोकतंत्र हर किसी को आजादी देता है। समाज में कोई सुधार लाना चाहता है तो यकीनन ला सकता है, मगर सत्ता देने का फैसला तो जनता के हाथ में ही होता है। होली के बाद वापस जाने वालों की मुश्किलें बढ़ी। होली की छुट्टी पर घर आए युवाओं को अब वापस जाने में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बीते बुधवार को रेलवे के लगभग 400 ट्रेनों के कैंसिल होने के बाद यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। खबरों की माने तो ट्रैक पर चल रहे कामों को ध्यान में रखते हुए बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे शहरों को दिल्ली से जोड़ने वाली ट्रेनों को शामिल किया है। इस साल बिहार में अधिक से अधिक बेरोजगारों को भत्ता मिलने की उम्मीद। अगले वित्तीय वर्ष को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने अहम ऐलान किया है, जिसके तहत अब आने वाले वित्तीय वर्ष में बिहार के बेरोजगारों को अधिक भत्ता देने की योजना पर काम किया जा रहा है। खबरों की माने तो पिछले 4 सालों में दिए जा रहे 505 करोड़ के भत्ते से ज्यादा राशि दी जाएगी। जदयू ने किया राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। 26 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए जदयू ने अपने दोनों सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, जिसके तहत जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान यह जानकारी देते हुए बताया है कि राज्यसभा चुनाव के लिए जदयू ने हरिवंश और रामनाथ ठाकुर जी का नाम भेज दिया है। होली के बहाने लालू की परछाई होने का दावा किया तेज प्रताप यादव ने। होली का त्यौहार पूरे भारत में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, वहीं राजनीतिक पार्टियां भी रंगों में सराबोर नजर आई। इसी क्रम में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी होली के दिन लालू यादव के अंदाज में झूमते नजर आए। इतना ही नहीं, होली के दिन तो उन्होंने यह भी कह दिया कि वो बिहार के दूसरे लालू है, उनकी विरासत को हमेशा वो ही जिंदा रखेंगे। जदयू नेता ने मध्य प्रदेश की ही तरह बिहार महागठबंधन के बिखराव का किया दावा। जदयू नेता अशोक चौधरी ने महागठबंधन को लेकर एक बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि जिस तरह मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उसी तरह बिहार में भी जल्द ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि कांग्रेस को यह पता है कि अब उनका भविष्य राजद के साथ नहीं है, इसीलिए चुनाव आने तक कांग्रेस के कई नेता हमारे साथ शामिल होंगे। सिंधिया पर बिहार के कांग्रेस नेता ने की टिप्पणी। मध्य प्रदेश की सियासत से बाहर हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के फैसले के बाद कांग्रेस अब मझधार में नजर आ रही है। इसी क्रम में कांग्रेस के अलग अलग पार्टियों के बयान का तांता भी देखने को मिल रहा है, जिसके तहत बिहार कांग्रेस के नेता श्याम सुंदर ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा तमाम तरह की चुनौतियों से उभरती आई है और आगे भी उभर जाएगी। भाजपा में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया बड़ा बयान। मध्य प्रदेश की राजनीतिक हवा में अचानक से हुए बदलाव के बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा का दामन थाम लिया है, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अपना बयान भी जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से देश की सेवा करना चाहता था, मगर यह सब कुछ मैं कांग्रेस में रहकर नहीं कर सकता था। शिबू सोरेन ने राज्यसभा चुनाव के लिए किया नामांकन। जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन ने बीते बुधवार को एक बार फिर से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन भर दिया है। इससे पहले शिबू सोरेन ने साल 1998 और 2002 में राज्यसभा के लिए अपना नामांकन भेजा था। हालांकि उस समय उन्हें राज्यसभा जाने का मौका नहीं मिला, मगर इस बार उन्होंने राज्यसभा जाने की पूरी तैयारी कर ली है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस चुनाव में अपनी जीत का भी दावा किया है। अब चले बढ़ते मौसम के खबरों की ओर। ठंड से अब धीरे धीरे से मगर लोगों को राहत मिल रही है, ऐसे में ये जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में धूप निकलने के कारण ठंड से राहत मिलेगी, तो वहीं कुछ जगहों पर बादल छाने के भी आसार है। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सीवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में दिन भर धूप निकलने की संभावना है। वहीं हवा के चलने की वजह से ठंड में इजाफा हो सकता है।
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा आज पहला मैच। न्यूजीलैंड दौरे पर फ्लॉप होने के बाद आज भारत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलने के लिए मैदान में उतरने वाली है। तीन दिनों के इस एक दिवसीय सीरीज में इस बार भारतीय टीम के कई दिग्गज खिलाड़ियों की वापसी हुई है। वहीं इस बार सबकी नजर कप्तान कोहली की रणनीतियों पर भी होगी। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 11 मार्च को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 42,810 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 43,810 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 50,000 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 74.75 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 67.35 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है शगुफ्ता परवीन, कमलेश कुमार, शहजाद अहमद, राजीव रंजन करें, गौतम कुमार, प्रेम सिंह, अब्दुल रहमान बॉस, ऋषिकेश कुमार, सुमित कुमार, हिमांशु कम्युनिकेशन, सुशांत कुमार, संतोष कुमार, पप्पू सिंह, श्रवण राज, वीरेंद्र यादव, विकी कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले मैच में किस टीम का पड़ा ज्यादा भारी है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।